हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस वर्क दैट इज़ वाइफ ऑफ द बाथ। ये जो वाइफ ऑफ द बाथ होता है, इसी के प्रोलॉग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे, जो कि जोफ्री चौसर का एक बहुत ही फेमस वर्क है, द कैंटरबरी टेल्स। उसी की एक स्टोरी है और उसी इस टेल से रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चंस होंगे। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DTSSB TGT, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इस वर्क को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं, यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। वो सारी वीडियोज़ DTSSB TGT पर बेस्ड हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है प्रोलॉग में, जिसका नाम होता है द वाइफ ऑफ द बाथ, ये बहुत ही फेमस होती है, बहुत ही रिनाउंड होती है अपनी एक्सपीरियंस की वजह से। और इसको एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, शादी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसने 5 शादी की है और इसने जो इसके हस्बैंड होते हैं वो सारे रिच होते हैं, इसी वजह से इसने शादी किया है। लेकिन जो लास्ट वाला हस्बैंड होता है उससे ये शादी करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होता है। इसकी जो अपनी थॉट्स होती है, ये बोलती है वर्जिन रहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो ऑर्गन्स दिए गए हैं गॉड के द्वारा दिए गए हैं ताकि व्यक्ति उसको इंजॉय कर सके, उसका प्लेजर ले सके। अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये बाइबल से रेफरेंस देती है और ये कोट करती है किंग को, किंग सोलोमन को बताती है कि उसने भी बहुत ज़्यादा शादी की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हस्बैंड्स हैज़ द वाइफ ऑफ बाथ हैड। वाइफ ऑफ बाथ के कितने हस्बैंड थे आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 5 हस्बैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। द वाइफ ऑफ बाथ क्लेम्स हर अथॉरिटी ऑन मैरिज बेस्ड ऑन व्हाट। ये कहना चाहते हैं जो वाइफ ऑफ बाथ होती है वो क्लेम करती है कि उसको शादी पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो किस बेसिस पे बताती है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, हर पर्सनल एक्सपीरियंस। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताती है क्योंकि उसने खुद ही 5 शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच बिब्लिकल फिगर डज द वाइफ ऑफ बाथ रिफरेंस टू जस्टिफाई हर मल्टीपल मैरिज। ये कहना चाहते हैं कौन सा बाइबल का फिगर होता है जिसको वाइफ ऑफ द बाथ रिफरेंस जिसका देती है अपने कई सारी शादी को, मल्टीपल मैरिज को जस्टिफाई करने के लिए। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, द किंग सोलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द वाइफ ऑफ बाथ फर्स्ट 3 हस्बैंड्स वर डिस्क्राइब एज। जो वाइफ ऑफ द बाथ होती है इसकी स्टार्टिंग के 3 हस्बैंड को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी वेल्दी एंड ओल्ड। वो लोग अमीर होते हैं लेकिन एजड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट डज द वाइफ ऑफ बाथ सजेस्ट वीमेन आर बेटर एट देन मेन। वाइफ ऑफ द बाथ क्या कहना चाहती है कि जो औरतें हैं वो किस चीज़ में मेन से अच्छी हैं। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि डिसेप्शन, धोखा देने में। उसका मानना है कि औरतें धोखा देने में मेन से अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, द वाइफ ऑफ बाथ फोर्थ हस्बैंड हैड। ये कहना चाहती हैं द वाइफ ऑफ बाथ होती है उसकी फोर्थ हस्बैंड के पास क्या होता है। तो सिक्स का सही आंसर होता है बी, यानी कि उसके पास एक मिस्ट्रेस होती है, रखेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, द वाइफ ऑफ बाथ मैरिड हर फिफ्थ हस्बैंड जैंकिन बिकॉज ऑफ। कहना चाहते हैं वाइफ ऑफ बाथ अपने 5वें हस्बैंड जैंकिन से क्यों शादी करती है। तो सेवंथ का हमारा सही आंसर है सी, लुक्स एंड चार्म, यानी कि उसकी लुक की वजह से और चार्म की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हैंडसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, व्हाट डिड जैंकिन्स बुक कंटेन। जैंकिन की एक बुक होती है, आपको बताना है कि उस बुक में क्या लिखा होता है। तो एट्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, टेल्स ऑफ विक्ड वाइफ्स, यानी कि जो दुष्ट वाइफ्स होती हैं उनकी कहानियाँ लिखी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट डिड द वाइफ ऑफ बाथ डू आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद जैंकिन्स बुक। यानी कि जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो जैंकिन की बुक के साथ क्या करती है वाइफ ऑफ बाथ। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, टोर 3 पेजेस आउट ऑफ इट, यानी उसके 3 पेजेस को फाड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, हाउ डिड जैंकिन रिस्पॉन्ड व्हेन द वाइफ ऑफ बाथ टोर हिज बुक। यानी कि जो जैंकिन होता है किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है जब वाइफ ऑफ बाथ उसके बुक को फाड़ देती है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ही हिट हर, वो उसको हिट कर देता है, उसके सर पे मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th,
एज अ रिजल्ट ऑफ जेंकिंस रिटेलिएशन व्हाट हैपेंड टू वाइफ ऑफ द बाथ। यानी ये कहना चाहते हैं जेंकिन जो होता है बदले के लिए जो उसको मार देता है अपनी वाइफ को, तो उसको क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका वाइफ ऑफ बाथ के ऊपर। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी बिकेम डेफ इन 1 ईयर। वो एक आंख से अंधी हो जाती है, सॉरी एक आंख से बहरी हो जाती है, सॉरी एक कान से बहरी हो जाती है, क्योंकि उसके कान पे बहुत ज़्यादा चोट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डिड द वाइफ ऑफ बाथ मैनिपुलेट जेंकिन आफ्टर ही हिट हर। ये कहना चाहते हैं जो वाइफ ऑफ बाथ होती है किस तरह से जेंकिन को मैनिपुलेट करती है जब उसे हिट कर देता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी प्रिटेंड्स टू बी डेड, वो मरने का बहाना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, हाउ हु इंटरप्टेड द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग ड्यू टू इट्स लेंथ। कौन सा व्यक्ति होता है जो वाइफ ऑफ बाथ के प्रोलॉग को इंटरप्ट करता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है बोल करके। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, द फ्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, विच कैरेक्टर अटेम्प्टेड टू स्टार्ट अ क्वारल विद द फ्रायर ड्यूरिंग द वाइफ ऑफ द बाथ प्रोलॉग। कौन सा कैरेक्टर होता है जो क्वारल करने की कोशिश करता है, झगड़ा करने की कोशिश करता है फ्रायर के साथ वाइफ ऑफ द बाथ के प्रोलॉग के दौरान। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट कलर रोब डिड द वाइफ ऑफ द बाथ वेयर व्हेन शी फर्स्ट मेट जेंकिन। जब पहली बार जेंकिन से मुलाकात होती वाइफ ऑफ द बाथ की, तो किस तरह का कपड़ा पहनी हुई थी। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि रेड। ये जो रेड होता है ये थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, तो इस वजह से इसने पहन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, हु डिड द वाइफ ऑफ द बाथ गोसिप विद अबाउट हर फर्स्ट हस्बैंड जेंकिन। ये कहना चाहते हैं अपने पहले हस्बैंड, अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड जेंकिन के बारे में वाइफ ऑफ द बाथ किससे गोसिप करती है, बातचीत करती है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अपने एक फ्रेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, वॉट इवेंट टुक प्लेस अ मंथ बिफोर द वाइफ ऑफ द बाथ मैरिड जेंकिन। जेंकिन से शादी करने से पहले क्या घटना घटित होती है वाइफ ऑफ द बाथ के साथ। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है ए, हर फोर्थ हस्बैंड्स डेथ, यानी कि इसका जो फोर्थ हस्बैंड होता है वो एक्सपायर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, ड्यूरिंग द फ्यूनरल ऑफ हर फोर्थ हस्बैंड द वाइफ ऑफ द बाथ वॉज डूइंग वॉट। यानी कि अपने चौथे हस्बैंड की जो फ्यूनरल होता है उस समय उसके दौरान वाइफ ऑफ द बाथ क्या कर रही होती है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि लस्टली वॉचिंग जेंकिन। ये जेंकिन को देख रही होती है बहुत ही सेक्सुअल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज द वाइफ ऑफ बाथ व्यू द आइडिया ऑफ वर्जिनिटी अकॉर्डिंग टू हर प्रोलॉग। ये कहना चाहते हैं वाइफ ऑफ द बाथ ये जो वर्जिनिटी की आइडिया होती है इसको किस रूप में देखती है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी रिस्पेक्ट्स इट बट डज नॉट एस्पायर टू इट। वो इसकी इज्जत तो करती है लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति इस चीज़ को फॉलो करे। उसका मानना है कि लोगों को इन्जॉय करना चाहिए, जो भी ऑर्गन्स हैं उसका प्लेजर लेना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, वॉट डज द वाइफ ऑफ बाथ आर्ग्यू हस्बैंड्स शुड डू रिगार्डिंग देयर वाइफ्स एक्टिविटीज़। ये कहना चाहते हैं कि जो वाइफ ऑफ बाथ किस चीज़ को लेकर बहस करती है कि जो हस्बैंड्स होते हैं अपनी वाइफ की एक्टिविटीज़ जो होती है उसके रिगार्डिंग में क्या क्या करना चाहिए हस्बैंड्स को। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फॉलो देम, ट्रस्ट देम कम्प्लीटली, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ वाइफ की होती हैं उस पर हस्बैंड को ट्रस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। वाइफ ऑफ बाथ का जो प्रोलॉग है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, अ कन्फेशन ऑफ सिंस, यानी कि गुनाहों का, जुर्म का कबूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द वाइफ ऑफ बाथ बिलीव इज द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। यानी कि वाइफ ऑफ द बाथ के अनुसार जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसका क्या पर्पज होता है। तो 22 का सही आंसर होता है बी, यानी कि प्लेजर एंड फंक्शन, वो प्लेजर के लिए होती है इस वजह से उनसे इंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज द वाइफ ऑफ बाथ क्लेम अबाउट द पावर डायनेमिक इन मैरिज। ये कहना चाहते हैं जो
पावर होती है, यानी कि मैरिज जो संतुलन होता है, मैरिज के पावर का जो संतुलन होता है, उसके बारे में वाइफ ऑफ बाथ का क्या विचार होता है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि विमेन शुड बी द मास्टर्स ऑफ देयर हाउस होल्ड्स, यानी कि औरतों को अपने घर का मास्टर होना चाहिए, पूरी ग्रिप होनी चाहिए उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, अकॉर्डिंग टू द वाइफ ऑफ द बाथ व्हाट इज यूजलेस फॉर अ हस्बैंड टू डू, यानी वाइफ ऑफ द बाथ के अनुसार एक हस्बैंड के लिए क्या चीज़ यूजलेस होती है, उसे नहीं करना चाहिए ऐसा। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि स्पाई ऑन हिज वाइफ्स एक्टिविटीज़, जासूसी करना अपनी वाइफ की एक्टिविटीज़ पे, ये बेकार होता है, ऐसा हस्बैंड को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु अकॉर्डिंग टू वाइफ ऑफ द बाथ शुड बी ट्रस्टेड इन मैरिज, ये कहना चाहते हैं कि वाइफ ऑफ द बाथ के अनुसार किस पे भरोसा किया जाना चाहिए। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, बोथ पार्टनर्स, यानी दोनों पार्टनर को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, द वाइफ ऑफ बाथ यूजेस व्हाट मेथड टू कंट्रोल हर हस्बैंड, वाइफ ऑफ द बाथ कौन से मेथड का प्रयोग करती है अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए। तो 26 का हमारा सही आंसर है सी, सेक्सुअल एंड वर्बल पावर, सेक्सुअल वर्बल पावर का प्रयोग करके अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, द वाइफ ऑफ बाथ व्यूज ऑन मैरिज एंड वीमेंस रोल चैलेंज, ये कहना चाहते हैं कि वाइफ ऑफ बाथ का व्यू क्या होता है मैरिज को लेकर के, और वुमेंस को रोल को चैलेंज को लेकर के, उसको क्या चैलेंज करती है वुमेंस के रोल को लेकर के। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, ट्रेडिशनल मेडिवल सोसाइटल नॉर्म्स, यानी कि ट्रेडिशन को, उसका ट्रेडिशनल मेडिवल सोसाइटल नॉर्म जो होते हैं उसको चैलेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हाउ डज द वाइफ ऑफ बाथ व्यू द आइडिया दैट वीमेन आर नेचुरली डिसीटफुल, यानी इस आइडिया पे कैसे रिएक्ट करती है वाइफ ऑफ द बाथ, या उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो औरतें होती हैं वो नेचुरली धोखेबाज होती हैं। तो 28 का हमारा सही आंसर है बी, शी अग्रीज विद इट एंड यूजेज इट टू हर एडवांटेज, यानी कि वो इस बात से सहमत होती है और इसका प्रयोग करके इससे एडवांटेज भी लेती है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।